दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो एक स्पेशल टॉपिक है, बच्चों और बूढ़ों के बारे में। अक्सर देखा गया कि बुढ़ापे में 40 से 50 की उम्र की क्रॉस करते करते हमारे हार्मोन्स जो है वो बहुत कम बनते हैं, जिनकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें आज जो हम आपसे बात करेंगे वो करेंगे हम आपको अचानक से पेशाब का निकल जाना, जिसे अंग्रेजी में एन्यूरेसिस भी कहते हैं। एन्यूरेसिस यानी कि पेशाब का अचानक निकल जाना। पेशाब को का अपने आप आने का रोग मुख्य रूप से पक्षाघात, लकवा, पथरी, चोट लगने, प्रमेह, सूजन, कीड़े होने तथा पौष्टिक ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है। प्रसव के कष्ट में पेशाब अपने आप निकल जाने के लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह के कारणों से मूत्र स्थली में पेशाब को एकत्रित करने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, जिससे मूत्राशय में थोड़ा सा पेशाब एकत्रित होने पर पेशाब अपने आप निकल जाता है। रोगी को हमेशा मूत्राशय में दबाव महसूस होता रहता है और पेशाब रोकने पर अपने आप पेशाब निकल जाता है। रोगी को हर समय ऐसा महसूस होता है जैसे मूत्राशय भरा हो, परंतु पेशाब करने पर बूंद बूंद करके पेशाब आती है। बच्चे जब इस रोग से ग्रस्त होते हैं तो वो रात के समय बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं या अनजाने में पेशाब कर देते हैं। ऐसे में माँ बाप बच्चों को डांटने लगते हैं, लेकिन डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों को समझाना चाहिए। ये उनका कोई दोष नहीं है, ये उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि हमारा बिस्तर गीला हो रहा है या सूखा हुआ है। बच्चों में देखे जाने वाली पूरी तरह से हानि रहित लेकिन परेशान करने वाली समस्या बिस्तर गीला करना है। मेडिकल भाषा में इसे एन्यूरेसिस भी कहते हैं। एक बच्चा सोते समय मूत्राशय में नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, मूत्राशय को वो रोक ही नहीं पाता, पेशाब को वो रोक ही नहीं पाता। बिस्तर गीला करने की निम्नलिखित 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। पहली दवाई जो है वो है कॉस्टिकम, दूसरी दवाई जो है वो क्लियोरोड, तीसरी दवाई जो है चाइना, चौथी दवाई जो है सिटफॉस और पांचवी दवाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन एक्विजिटम। इससे पहले कि हम बिस्तर गीला करने के लिए इन होम्योपैथिक दवाइयों के व्यक्तिगत संकेतों को सूचीबद्ध करें, आइए हम इस विषय पर कुछ बात करते हैं। एन्यूरेसिस या बिस्तर गीला करना बच्चों को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है। यह समस्या लड़कों में ज़्यादा सामान्य है, यह लड़कियों की संख्या से लगभग दोगुनी है। लड़कों में इसके बढ़ते प्रसार का कारण अज्ञात है। आमतौर पर एक बच्चा 4 साल की उम्र तक अपने मूत्राशय पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है, कुछ मामले ऐसे बहुत बाद तक नहीं होता। हम यहाँ उन मामलों के पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ बच्चा काफ़ी बड़ा है और फिर भी रात में अपने पेशाब को रोकने में सक्षम नहीं है। बिस्तर गीला करना या एन्यूरेसिस का कारण, ऐसे अधिकांश मामलों में कोई ठोस कारण नहीं मिल पाता। बात सिर्फ इतनी है कि बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, ये बच्चे के लिए काफ़ी शर्म की बात होती है। कई बार माता पिता उसे डांट लगाते हैं। इसके अलावा बच्चा अक्सर रिश्तेदार या दोस्तों के सामने शर्मिंदा होता है, इन सब चीज़ों से कोई मदद नहीं मिलती। वास्तव में प्रतिकूल साबित हो सकते हैं, कोई बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करना चाहता। माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चा अपने मूत्राशय पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता है या असमर्थ है। अगर आपके बच्चे को बिस्तर गीला करने की समस्या या एन्यूरेसिस की समस्या है तो क्या करें? अगर आपका बच्चा रात में बिस्तर गीला करता है तो कुछ बातें समझाने की ज़रूरत है और खुद भी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़रूरत है कि बच्चे को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जानबूझकर ये सब नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है कि बच्चे को मूत्राशय पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता। आमतौर पर एक बच्चे को
में यह नियंत्रण करने के लिए 4 साल की उम्र तक विकसित हो जाता है। कुछ मामलों में इससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा जानबूझकर बिस्तर गीला नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है कि मुतासा की मांसपेशियों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है। एक अभिभावक के रूप में इसे समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चा रात में सोने से पहले बहुत अधिक तरल पदार्थ न ले। एक और चीज़ जो मदद करती है वो यह है कि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले पेशाब कर ले। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन दवा है वो है कॉस्टिकम, जो रात में बिस्तर गीला करने से रुकती है। क्रियोजोट औषधि जो है बच्चा जगना तो चाहता है लेकिन जग नहीं पाता, ऐसे में वो रात में बिस्तर ही गीला कर देता है। ऐसी अगर अवस्था है तो वो क्रियोजोट औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर पेट में कीड़े हैं और इसके वजह से बच्चा रात में दांत किटकिट भी करता है तो इसमें सीना औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पेशाब करता है, मात्रा जो है पेशाब करने की बहुत ज़्यादा है, तो उसको एसिड फॉसफोरस दें। अगर यही आदत सी बन गई है बच्चे की तो उसे इक्विजिटम औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी अवश्य दें। इसके अलावा और भी हम कुछ दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि सीरम फॉर रोगी को पेशाब का तेज वेग अनुभव होता है, उसे वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाता है। तो ऐसे लक्षणों में रोगी को सीरम फॉर औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार या 6 बार देनी चाहिए। 2 बूंद करके हर 3-3 घंटे पे या 2-2 घंटे पे आप दें। कैंथरिस, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, बुढ़ापे में या बच्चे में उत्पन्न रोग आदि में मूत्र निकल जाने के कारण दिखाई देने पर कैंथरिस औषधि की 6 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में अवश्य दें। रस्टॉक्स, अपने आप पेशाब निकल जाने के ऐसे लक्षण जिसमें रोगी चलता रहता है या काम करता रहता है तब तक पेशाब रुका रहता है, पर जो ही वो बैठता है पेशाब का तेज वेग शुरू हो जाता है। ऐसे में रोगी को तुरंत पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को 30 या 200 की पोटेंसी दिन में 3 बार दें कुछ दिनों तक, उसके बाद में उसे 2 बार देना शुरू करें और 30 की पोटेंसी को 4 से 5 बार दें। जेल्सिमियम औषधि, जेल्सिमियम प्रोस्टेट ग्रंथि सूज जाने के कारण या मुतासर में पथरी होने के कारण पेशाब अपने आप निकल जाता है। ऐसे में रोगी को जेल्सिमियम औषधि की 6x अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है तो 6, 12 या 30 की पोटेंसी जो मिले उसे 5 से 6 बार अवश्य दें। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने प्रियजनों को इसे भेजें ताकि वो भी, अगर उनके घर में कोई बच्चे या बूढ़े हों तो उनको भी इसे छुटकारा मिले। जय हिंद, नमस्कार, लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।